Hi friends, this is Mr. Umair and you are watching Toplinc TV. फ्रेंड्स आज एमएस वर्ड में मैं आपको 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा और हम A7 का लोगो बनाएंगे और A7 लोगो की ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं मार्बल इफेक्ट और मार्बल डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूं, तो मार्बल लोगो की ये फर्स्ट वीडियो है और A की जो हमारी सीरीज चल रही है उस हिसाब से ये फिफ्थ वीडियो है और नंबर 7 की ये सेकेंड वीडियो है। सो फ्रेंड्स आप इसको डिफरेंट पर्पस या डिफरेंट नेम्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि मार्बल बनाती है और कंपनी के ऑनर का नाम है असद साहब। वो 30 ईयर से ये काम कर रहे हैं, उनका फैमिली बिजनेस है और 7 डिफरेंट टाइप्स के और कलर्स के वो लोग मार्बल बनाते हैं। हमें ऑर्डर मिला है कि हमें उस कंपनी के लिए, उस फैक्ट्री के लिए एक लोगो बनाना है, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन जा रही है और हर काम ऑनलाइन हो रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी वो लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। सो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं इसका लोगो मेकिंग। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद आप जाइए शेप्स में, शेप्स के बाद आप रेक्टेंगल शेप पे जाइए और यहाँ पर आपने इसको करना है, बनाना है इसको, इसको ड्रॉ कर दें। और फ्रेंड्स इसी की कॉपी लें, पेस्ट करें और इसका साइज कर दें छोटा। और फ्रेंड्स ये आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आप A7 की लाइन और लेंथ को इक्वल रख सकें, तो उसको एक्यूरेट बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें, दोनों को सेलेक्ट करें और ऊपर फॉर्मेट पे जाइए और अलाइन में जाकर आप इसको कर दें अलाइन सेंटर। ओके फ्रेंड्स अब आपने A7 का लोगो बनाना है, इसके लिए आप जाना होगा आपको इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद आप शेप्स में जाइए और यहाँ से आप ले लें फ्री फॉर्म टूल, ये सेलेक्ट करें और बॉटम लेफ्ट से आपने बनाना स्टार्ट करना है। तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और पीछे ये जो लाइन है इसकी लगी रहेगी। ओके और यहाँ पर दोनों रेक्टेंगल्स आपस में मीट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने लेफ्ट क्लिक करना है, लाइन बिल्कुल इक्वल रखनी है आपने। फिर इधर भी आपने लेफ्ट क्लिक करना है और इधर कॉर्नर पर भी आप लेफ्ट क्लिक करोगे। लाइन और लेंथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर आपसे कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो आप उसको डबल क्लिक करके रिमूव करें, इसको एंड करें, डिलीट करें, फिर दोबारा से फ्री फॉर्म टूल लेके स्टार्ट करें। अब आपने बनाना है फ्रेंड 7 और फ्रेंड्स जब आप इसको एंड कर रहे होंगे तो जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ पर आप जब ख़त्म कर रहे हैं तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपने इधर डबल क्लिक करना है, डबल लेफ्ट क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स अब आप पीछे जो रेक्टेंगल है उसको कर दें कट, A7 को साइड में डालिए और इस वाले रेक्टेंगल को भी कट कर दें। फ्रेंड्स आपका A7 रेडी है, यहाँ से यहाँ तक और ये आपका बन गया है A और ये हो गया है आपका 7। तो फ्रेंड्स A7 आप क्लियरली देख रहे हो मौजूद है, बन चुका है। फ्रेंड्स अब हमें देना है इसको कलर, इसको सेलेक्ट करें, ऊपर फॉर्मेट पे जाइए, शेप फिल में जाकर आपने टेक्सचर में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन मार्बल, वाइट मार्बल और ब्राउन मार्बल मौजूद है। आपने ये कलर देना है ग्रीन मार्बल का, आप देख सकते हैं कि इसको हमने ग्रीन मार्बल का कलर दे दिया है और जो दिखने में मार्बल स्टाइल लग रहा है, लेकिन मार्बल जो है वो थिक होता है, उसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है उसकी। तो फ्रेंड्स अब हमें देना है इसको 3D लुक, इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करें, ऊपर फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ से भी आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं 3D इफेक्ट्स में जाकर। अब पैरेलल में जाकर आप इसको 3D स्टाइल 1 सेलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका ये जो लोगो है इसका 3D स्टाइल पीछे से ऑन हो जाएगा। अब आपने इसको देना है डार्क कलर। ओके 3D कलर आप देना चाह रहे हैं इसको तो 3D इफेक्ट्स में जाकर आप 3D कलर में जाइए और यहाँ पर 3D मोर कलर्स में जाकर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको डार्क कलर दे सकते हैं। आपने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके करें तो फ्रेंड्स इसका डार्क कलर पीछे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो फ्रेंड्स ये A7 का लोगो आपने बना लिया है, इसमें हर चीज़ रेडी है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से।
ओके फ्रेंड्स, तो आप इस लोगों को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके डिफरेंट फील्ड्स और पर्पस लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप हमारी A2 की वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें भी हमने बहुत इंटेलिजेंटली वर्किंग की है। और फ्रेंड्स, एक मेरी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है रॉन्ग लोगो, तो ये आपने लाजमी देखिएगा। इसमें डिफरेंट मैसेजेस हैं और मैंने डिफरेंट तरीके से जो ना ये रॉन्ग लोगो बनाया है और इंटरेस्टिंग वे में। सो फ्रेंड्स, लाजमी इसको विजिट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आपका A7 का लोगो रेडी है, मार्बल लोगो 3D स्टाइल में मौजूद है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एडोब फोटोशॉप की मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जेपिक फाइल बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको करें आप कॉपी और स्टार्ट बटन में जाइए, MS पावर पॉइंट में जाइए और न्यू स्लाइड में जाकर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें और इसको कर दें पेस्ट। यहाँ पर आप इसका साइज कर दें इंक्रीज और ऑफिस बटन में जाकर, सेव एज में जाकर आप अदर फॉर्मेट्स में जाइए। यहाँ पर इसका कोई नाम दें, जगह सेलेक्ट करें जहाँ रखना चाहते हो और सेव एज टाइप में आपने जो है इसको जेपेग फाइल कर दें या PNG कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैं जेपेग फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, जेपेग फाइल सेव करें। अच्छा, इसका जो है कोई और नाम देना चाहें आप वो दे दें और इसको सेव करें, करंट साइड ओनली करें और फ्रेंड्स इसको कर दें मिनिमाइज और चले जाएं वहां पर जहां पर आपकी फाइल मौजूद है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये 44.8 KB की जेपेग फाइल है जो आपने पावर पॉइंट से बनाई है। ओके फ्रेंड्स, अब आप चाह रहे हो कि आप इसको एडोब फोटोशॉप के थ्रू जेपेग फाइल बनाओ या PNG फॉर्मेट में इसको क्लियर करो, यानी कि आप अपनी इस फाइल को एडोब फोटोशॉप के थ्रू PNG फॉर्मेट देना चाहते हो या जेपेग फाइल देना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप दोबारा डेस्कटॉप में जाइए, आपके पास एडोब फोटोशॉप पहले से मौजूद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप एडोब फोटोशॉप की फाइल को ओपन करें, एडोब फोटोशॉप को ओपन करें। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CS6 है और फ्रेंड्स यहां पर आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए और यहां पर आपने ये जो 44.8 KB की जो फाइल थी जो आपने बनाई थी इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको करना है आपने ओपन। फ्रेंड्स, यहां पर फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अब आप एडोब फोटोशॉप के थ्रू इसको जेपेग फाइल बनाओगे या PNG फाइल बनाओगे, तो उसके लिए आप फाइल में जाइए और सेव एज में जाइए और यहां पर आप इसका कोई भी नाम दे दें, PS कर दें एडोब फोटोशॉप, ओके, जेपेग फाइल दे दें या इसको PNG फाइल दे दें, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं इसको PNG फॉर्मेट दे रहा हूँ, ओके, डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है और इसको कर दें सेव और इसको कर दें क्लोज। सो फ्रेंड्स, ये आपने PS की फाइल आपने बना ली है एडोब फोटोशॉप के थ्रू। आप देख सकते हैं कि ये जो पहले फाइल थी वो 44.8 KB की थी और अब इसका साइज बढ़कर, इसका वेट बढ़कर 303 यानी कि 303 KB हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये जो आपने फाइल बनाई है ये एडोब फोटोशॉप के थ्रू बनाई है, इसकी PNG फाइल। सो फ्रेंड्स, हमने आज इसको भी सीखा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पास कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, मजीद डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पर SMS करें और हमें सर्च करें, फॉलो करें मिस्टर ओमैर के नाम से, टॉपलिंक मिस्टर ओमैर के नाम से, एंड दिस इज माय ईमेल एड्रेस। सो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग टॉपलिंक TV, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, गिव योर कमेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।